हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका एसएटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। हमारा एक कोर्स होता है जिसका नाम है ट्रिपल सी। ट्रिपल सी जो कोर्स है ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, और इसलिए ये पॉपुलर है चूँकि लगभग हर गवर्नमेंट क्लर्क के जॉब में ट्रिपल सी को अनिवार्य किया गया है। तो ये कोर्स नीलेट के द्वारा संचालित किया जाता है। इसका एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड का होता है। अगर 100 पार्टिसिपेंट इसके एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होते हैं तो एक औसतन 50 या 55 ही ट्रिपल सी को पास कर पाते हैं। तो ट्रिपल सी कोर्स जो है ये बहुत ही बेसिक पर्पज के लिए कोर्स है, मगर इसका नीलेट एग्ज़ाम एक स्टैंडर्ड का कराती है। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है ऐसे फरवरी का एग्ज़ाम 4 तारीख से स्टार्ट है, 4 फरवरी से ऐसे हर मंथ में एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने यूट्यूब में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियोज़ डाले हुए हैं, उनमें कोई आपको बोलता है कि मेरे वीडियो को देख लीजिए आप पास हो जाएंगे, तुक्का कैसे लगाएं, ट्रिक कैसे लगाएं। तो फिलहाल मैं ऐसा वीडियो आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको इस तरीके का वीडियो दे रहा हूं कि जिसे अगर आप पूरा लास्ट तक देखते हैं और मैं जिन जिन चीज़ों को आपको बताऊँगा अगर उन्हें आप ढंग से करते हैं तो मेरी 100% गारंटी है कि आप फर्स्ट अटैम्प में ट्रिपल सी के एग्ज़ाम को पास करते हैं। तो ट्रिपल सी को एक बार में कैसे पास किया जाए, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, कैसे पास करें, तो उसी के लिए ही आज का ये मेरा वीडियो है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देने वाला हूं कि आप उसको रट लीजिए वही एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि लाखों क्वेश्चन ट्रिपल सी के सिलेबस से रिलेटेड हैं, उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आए ये आपको नहीं पता होता है, तो रटने से काम नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हम लोग ट्रिपल सी के कोर्स का जो सिलेबस है उनको समझा जाए, और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उन्हें समझा जाए, और उनसे संबंधित किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर उनके ऊपर फोकस कर लिया जाए तो आप अनिवार्य रूप से ट्रिपल सी को पास करेंगे। तो देखिए, जो ट्रिपल सी का कोर्स है इसका जो सिलेबस है, इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर मिलता है, फिर आपको इंट्रोडक्शन टू जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, फिर आपको एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग मिलता है, फिर आपको स्प्रेडशीट मिलता है, फिर आपको एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन मिलता है, फिर आपको इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट WWW एंड वेब ब्राउजर मिलता है, फिर आपको ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज मिलता है, फिर आपको डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन मिलता है, और लास्ट में होता है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब मिला के हमारे ट्रिपल सी का सिलेबस है, हमें इन्हीं ही बातों की तैयारी करनी होती है। तो मैं बारी बारी इन सारे सिलेबस के कंटेंट को एक्सप्लेन करूँगा कि किसमें कौन कौन से चीज़ें हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस उससे बनेंगे, उन पर मैं आपको तैयारी कराने वाला हूं। आप उसे ध्यानपूर्वक करिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, और उसमें मैं जिन जिन बातों को आपको बताऊं उन्हें आप अनिवार्य रूप से पालन करिए। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक होता है वो होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर करके। तो ये जो टॉपिक होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसका उद्देश्य ये होता है कि आपको कंप्यूटर से परिचित कराया जाए थ्योरी के मैनर में। तो सबसे पहले यहाँ हमें कंप्यूटर का एक इंट्रोडक्शन लेना होता है। तो इंट्रोडक्शन में कंप्यूटर का डिफिनेशन हो गया, कंप्यूटर के करेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो कंप्यूटर के डिफिनेशन में आता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि उसकी स्पीड बहुत है, एक्यूरेसी है। तो खैर, आपको उसका परिचय तो लेना ही है, मगर ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिपल सी में उससे रिलेटेड ना के बराबर आएंगे। आपका इसमें आता है एक जनरेशन,
एक टॉपिक आएगा जनरेशन, तो जनरेशन से आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, ऐसे हम लोग फिफ्थ जनरेशन तक आ गए हैं। तो आपको बेसिकली फोकस करना है कि किस जनरेशन का पीरियड क्या था। पीरियड जैसे फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1954 तक था, उसमें कौन सा मेन कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, ऐसे वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, और उस दौरान कौन सा कंप्यूटर बना जो प्रसिद्ध था, ऐसे एनियक या यूनिवैक वगैरह कंप्यूटर थे। तो ऐसे पांचवें जनरेशन की बात की जाए तो ULSI माने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे भी काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ काम करता है। तो आपको आपके जनरेशन, जो भी जनरेशन है, उनके बारे में आपको तीन चीजों पे फोकस करना है कि पीरियड क्या है, कॉन्सेप्ट या टेक्नोलॉजी कौन सा उसमें यूज हुआ, और कुछ प्रसिद्ध कंप्यूटर उस दौरान जो आए उनके बारे में आपको तैयारी करना है। फिर आपको कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन को भी थोड़ा देखना होगा, जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। साथ साथ आपका जो कंप्यूटर है उसके कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। जैसे हार्डवेयर में आपको स्पेशली CPU को थोड़ा पढ़ना चाहिए, साथ साथ इनपुट डिवाइसेज हैं, आउटपुट डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज है। तो इनपुट डिवाइसेज में ऐसे जॉयस्टिक के बारे में पूछ लिया आता है कि जॉयस्टिक स्पेशली किस लिए यूज किया आता है, गेम कंट्रोलिंग के लिए यूज किया आता है। आउटपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो LED, CRT, आपका LCD का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, आपको थोड़ा प्लाटर का परिचय होना चाहिए, आपको प्रोजेक्टर का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मेमोरी की बात की जाए तो रैम कैसा मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी है, रॉम रीड ओनली मेमोरी हो गया, आपके जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, आपको उससे रिलेटेड चीज़ों को देखना होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम, आपको सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी के बारे में देखना है, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो कुल मिला के जो पहला पेपर है इसका जो क्वेश्चन आएगा, मेरा जो अनुमान है वो बहुत मैक्सिमम अगर आपको क्वेश्चन मिल गया तो वो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक ओवरव्यू स्पेशली जनरेशन और जो डिवाइसेस हैं और मेमोरी हैं थोड़ा इन्हें देख लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाला है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं पर हमारा नेलेट अब Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता है। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक्स आपको आने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट के लिए क्या है, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल का यूज होगा, डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए विंडोज़ है, हमारे पास लिनक्स है, Ubuntu है, ऐसे कई ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो गया, आपका जो डेस्कटॉप आता है उसका टास्क बार से का आपको परिचय पता होना चाहिए, आपके आइकन्स क्या हैं, शॉर्टकट्स क्या हैं, आप एप्लीकेशन को रन कैसे करते हैं, उसके अलावा माउस से रिलेटेड अगर आपको कोई सेटिंग करनी है, डेट एंड टाइम आपको चेंज करना है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में थीम वगैरह हो गया। तो ये तो लर्निंग के उद्देश्य से लिखा है कि इतनी चीज़ों को आपको अगर कंप्यूटर चलाना है तो आना चाहिए। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन मिल सकते हैं उसमें आपसे पूछा आ सकता है कि Ubuntu कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स का मतलब फ्री होगा, इसका लाइसेंस नहीं लेना है, इसके सोर्स कोड को भी हम पा सकते हैं। आपको ऐसे भी पूछा आ सकता है कि Ubuntu किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बना है, माने आधारित है, तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे बना हुआ है। आपको पूछा आ सकता है कि Ubuntu का जो डेस्कटॉप आता है उस पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। तो मेरा जो अनुमान है कि इससे भी बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, बहुत मिल गया तो 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा, मैक्सिमम जो मिलेगा वो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन इससे मिल सकता है।
आपका जो अगला अब आता है, यहां से अब आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं जो आपको मिलेंगे। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोग पहले पढ़ते थे, पर नीलेट ने उसे अपने सिलेबस में नहीं रखा है। ये अपने एग्जाम में आपको लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछेंगे, और लिब्रे ऑफिस में आपको राइटर, कैल्क और इम्प्रेस मिलेगा। तो अब आपको अपना प्रिपरेशन जो करना है वो लिब्रे ऑफिस के पैटर्न पे करना है। तो ये तो खैर इन्होंने सिलेबस बताया है कि आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में इन इन चीज़ों को आना चाहिए। लिब्रे ऑफिस राइटर है क्या? लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट है, यानी हम लोग इसमें डॉक्यूमेंट बनाने का काम करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते थे। तो आपको राइटर का इंट्रो आए, ऑब्जेक्टिव आए, काम करने के हिसाब से आपको इसके टाइटल बार, मीनू बार, टूल बार, साइड बार से परिचित होना होगा। नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे, सेव कैसे करेंगे, पेज की सेटिंग कैसे करेंगे, पीडीएफ फाइल में कन्वर्जन कैसे करेंगे, टेक्स्ट को एडिट करना है, कट कॉपी पेस्ट, उसका अलाइनमेंट, उसको फॉर्मेटिंग, अंडू रीडू, ऑटो करेक्ट। तो ये जो चीज़ है ये आपका तो सिलेबस से सीखने के मैनर में, पर आपको जो आपको जो लिब्रे ऑफिस राइटर में क्वेश्चन मिलने वाला है वो 10 से 15 नंबर का मिल सकता है। तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको दिखाने के लिए मैं सीधे आपको ले चलता हूँ राइटर में ही। ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन है। तो इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितने मीनूज हैं। तो हेल्प को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 मीनूज हैं। और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है और जो लिब्रे ऑफिस है, इसके शॉर्टकट कीज में अंतर है। जैसे फाइल मीनू में अगर आप जाइए तो फाइल मीनू में आपको शॉर्टकट की जो मिलेंगे उनमें आपको न्यू मिल जाएगा, न्यू का कंट्रोल एन ही है जैसे होता है, ओपन आप जानते ही हो। अब जैसे इसमें सेव एस का शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एस है, तो कंट्रोल शिफ्ट एस हमारे सेव का शॉर्टकट की, सेव एस का शॉर्टकट की है। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल शिफ्ट ओ इसका शॉर्टकट की है। एग्जिट लिब्रे ऑफिस का कंट्रोल क्यू है। तो ये जो शॉर्टकट कीज हैं थोड़े यहाँ पे बदले हुए हैं, ऐसे सेव एज और प्रिंट प्रीव्यू का आप देख रहे होंगे। तो बेसिकली हर मीनू के अंदर आप जाके इनके शॉर्टकट की को आप देख लीजिए कि किन कमांड का क्या शॉर्टकट की है, और जिनके जिनके शॉर्टकट की हैं वो आगे इसके लिखे हुए हैं। ऐसे फुल स्क्रीन का कंट्रोल शिफ्ट जे है, आपको ये चीज़ देखना है। साइड बार के लिए कंट्रोल F5 है, स्टाइल के लिए F11 है, इंसर्ट में पेज ब्रेक हो गया, कमेंट हो गया, हाइपरलिंक हो गया, फॉर्मेट में अगर आप जाओ तो यहाँ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यहाँ देखिए डबल अंडरलाइन भी मिल रहा है, यहाँ सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से अलग है, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट बी है। यहाँ फॉन्ट का साइज बढ़ाना और फॉन्ट का साइज घटाने का भी शॉर्टकट की अलग है। साइकिल केस का मतलब कैपिटल को स्मॉल या स्मॉल को सेंटेंस केस में बदलने को हम लोग साइकिल केस बोलते हैं। तो शिफ्ट प्लस F3 है। तो ये जो शॉर्टकट कीज है स्टाइल मीनू में, हेडिंग वगैरह का जो शॉर्टकट की है, आपका टेबल इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है, फार्मूला टेबल में चलाने के लिए हो गया, उसके बाद टूल्स में स्पेलिंग, ऑटो स्पेलिंग, थेजरस, ये सारे जो हैं, ऑटो टेक्स्ट हो गए, ऑप्शन का हो गया, आपका क्लोज विंडो का हो गया। तो शॉर्टकट कीज आपको स्पेशली पूरे देखने होंगे, आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा। साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर कमांड को पूछ लेंगे कि किस मीनूज में मिलेगा। ऐसे आपसे पूछ लेगा स्पेलिंग किस मीनू में मिलेगा, तो आपको टूल्स में मिलेगा, वर्ड काउंट इसमें मिलेगा। तो किस मीनू में कौन से कमांड्स उपलब्ध हैं इनकी भी प्रिपरेशन आपको कर लेनी होगी। इसमें यह भी पूछ लिया आता है कि इसका मिनिमम जूम लेवल कितना होता है, तो 20% इसका मिनिमम जूम लेवल है और मैक्सिमम इसका 600 आपको जूम लेवल मिल जाएगा। तो 20% इसका मिनिमम है और मैक्सिमम जो होगा वो 600 होता है। साथ साथ इसके फाइल एक्सटेंशन की भी बात हो सकती है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल सेव होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो बाई डिफॉल्ट ये ODF एक्सटेंशन में हमारी फाइल को सुरक्षित करता है। तो
तो आपको फाइल एक्सटेंशन भी यहाँ पे देख लेना होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के संबंधित। अब अगला जो आपका आएगा वो स्प्रेडशीट्स आएगा, माने लिब्रे ऑफिस कैल्क आएगा। तो आपका जो कैल्क है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो आपको इसमें इसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, और काम करने के आधार पे ये सिलेबस बनाए गए हैं कि इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पर मैं एग्ज़ाम के नज़रिए से बात कर रहा हूँ तो मैं सीधे कैल्क में आपको ले चलता हूँ, और कैल्क के रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी मैं बात करता हूँ। तो देखिए कैल्क में आपका जो पूछा आ सकता है कितने रोज हैं टोटल, तो 10,48,576 इसमें रोज होंगे। इसमें 1,000 इसमें जो कॉलम होंगे वो उस लास्ट कॉलम का आपसे एड्रेस पूछा आ सकता है, ऐसे AMJ आप देख रहे होंगे लास्ट कॉलम का एड्रेस है तो ये आपसे पूछा आ सकता है। ये आपकी सीट है, इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा आपका वो पूछा आ सकता है, तो फाइल एक्सटेंशन इसका ODF है। और लिब्रे में किसी भी प्रोग्राम में आप काम करोगे तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम अनटाइटल्ड होता है, अनटाइटल्ड 1, अनटाइटल्ड 2 ऐसे होता है, तो ये भी आपको देखना है। इसके भी आपको शॉर्टकट की देख लेने हैं कि किस कमांड का शॉर्टकट की क्या है। तो हर मेनू में जितने भी कमांड हैं हर कमांड के आगे अगर उसका कोई शॉर्टकट की है तो वो लिखा हुआ है, ऐसे सेल को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की हो गया, डिलीट के लिए आपका शॉर्टकट की हो जाता है, तो ये शॉर्टकट कीज आपको देख लेने हैं। और कौन सा कमांड किस मेनू में आपको उपलब्ध मिलेगा आप थोड़ा इस पर नज़र डालिएगा। साथ साथ आपको यहाँ मिनिमम इसका जूम जो होगा वो राइटर से कुछ अलग हो सकता है, तो राइटर से अलग में यहाँ भी आपका 20% मिनिमम है। और मैक्सिमम की अगर बात की जाए तो ज़रूरी नहीं कि ये राइटर जैसा ही हो, तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 400 यहाँ पे मिल रहा है, राइटर में 600 मिल रहा था। तो आपको जूम का थोड़ा देख लेना है, और उसके बाद में मीनूज के अंदर कौन कौन से कमांड हैं, कौन सा कमांड किस मीनू में है, और कमांड के शॉर्टकट कीज क्या है, इन पे आपको थोड़ा फोकस कर लेना होगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपको कैल्क से मिल सकता है। फिर अगला आपका आता है इम्प्रेस करके, तो इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये इसका सिलेबस बनाया गया है और आपको इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। कुल मिला के लिब्रे ऑफिस से आपको 30 से 35 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। और अगर हम इम्प्रेस में भी जाके देखें तो इसमें भी वही चीज़ें देखनी है, इसका जूम क्या है, यहाँ अगर देखा जाए तो मिनिमम जूम लेवल इसका क्या मिल रहा है, 5% देखिए मिल रहा है मिनिमम, और इसका मैक्सिमम जूम लेवल शायद 1000 में जा रहा है, 3000 शायद जाएगा, तो ये आपको देख लेना है। 3000 है तो जूम का इसमें थोड़ा इशू है। फिर इसका भी फाइल एक्सटेंशन क्या है ये जानना होगा आपको, पूछा जा सकता है। ODF है, बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम अनटाइटल होता है। इसमें भी कौन से कमांड किस मीनू में है और किस कमांड का शॉर्टकट की क्या है ये आपको थोड़ा देख लेना होगा। ज़्यादातर लिब्रे ऑफिस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो शॉर्टकट कीज, कौन से कमांड किस मेनू में है, और जूम वगैरह का थोड़ा लेबल पूछा जा सकता है, तो इसे आप फोकस करिएगा। अब आपका जो आता है अगला वो इंटरनेट यानी नेटवर्किंग से रिलेटेड होता है, तो आपको नेटवर्किंग आना चाहिए कि नेटवर्किंग क्या होता है। अब यहाँ पे इन्होंने तो खैर थोड़ा कम सिलेबस दिया हुआ है, पर आपको नेटवर्किंग का परिभाषा, नेटवर्किंग के टाइप, डिस्टेंस के आधार पे ऐसे लैंड मैन वैन हो गया, आपको कनेक्टिविटी के आधार पे अनगाइडेड गाइडेड मीडिया हो गया, माने वायर वायरलेस वाला हो गया। अब वायरलेस में ट्विस्टेड पेयर है, फाइबर है, कोएक्सल है, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया। आपको टोपोलॉजीज आने चाहिए, आपको टोपोलॉजी के साथ साथ आपको थोड़ा ट्रांसमिशन मोड, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स आना चाहिए, यानी नेटवर्किंग का थोड़ा आपको वोकैबुलरी अच्छा आना चाहिए, प्रोटोकॉल्स आना चाहिए। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं ऐसे HTTP या HTTPS हैं, FTTP है, इन सब का फुल फॉर्म आना चाहिए। मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ इनका अलग से एक सेपरेट मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है,
तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप अलग से नेटवर्क को, अलग से आप सारे टॉपिक को देख सकते हो, उनके सेपरेट वीडियोस भी बने हुए हैं। यहाँ बात चल रही कि क्वेश्चन किन तरीके के आ सकते हैं। तो नेटवर्किंग में आपको पूछा आ सकता है किसी प्रोटोकॉल के बारे में कि भाई HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, या HTTP का जॉब क्या है, माने क्या ऑब्जेक्टिव होता है। टोपोलॉजी के बारे में पूछ सकते हैं, कोई कंपोनेंट जैसे NIC है या गेटवे है, राउटर है, उनकी चर्चा हो सकती है। फिर आपको इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स पूछे आ सकते हैं कि वेब पेज क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, इनमें से कौन पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं, कुछ पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स के नाम भी आपको आने चाहिए, IP एड्रेस वगैरह क्या होता है, ISP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, कनेक्टिविटी में ऐसे USB, LAN, ब्रॉडबैंड, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी हो सकती है, मैक का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, थोड़ा वेब ब्राउज़र भी आप जाने कि कौन कौन से पॉपुलर वेब ब्राउज़र हैं, सर्फिंग क्या होता है, पॉपुलर सर्च इंजन्स जैसे गूगल वगैरह हैं, या ऐसे चीज़ों के बारे में आपको इंटरनेट से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। तो आपको 5 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन मिलेगा वो आपको आपके नेटवर्किंग से मिल सकता है। अभी आपको ईमेल और सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस की भी बात होगी, इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ईमेल क्या होता है, ईमेल में ऐसे हम मैसेज कंपोज करते हैं तो CC माने कार्बन कॉपी, BCC माने ब्लू या ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, रिप्लाई क्या है, फॉरवर्ड क्या है, स्पैम क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको ईमेल में आ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग में आपको जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह है, में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विटर में आप कितने मैक्सिमम करेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं ट्वीट के लिए, आप व्हाट्सएप में कितने, कोई ग्रुप बना रहे हैं तो कितने पार्टिसिपेंट को आप ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स में कुछ ऐसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ऐसे चीज़ें हैं, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं। ई गवर्नेंस में जैसे ORS क्या है, ORS माने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आप OPD वगैरह का पर्चा ऑनलाइन ले सकते हो। उमंग ऐप के बारे में चर्चा हो सकता है, उमंग का फुल फॉर्म वगैरह आ सकता है। डिजी लॉकर एक ऐप आता है, डिजिटल लॉकर की भी बात हो सकती है। तो ऐसे कुछ चीज़ों की चर्चा इसमें आ सकती है। तो 5 से 6 नंबर आपके क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। अब आपका जो सबसे अहम है, मान के चलिए कि 15 नंबर से लेके 20 नंबर तक का क्वेश्चन आपको आ सकता है इस वाले टॉपिक से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन में आपको ये जानना है कि कौन कौन से वो टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम लोग कैशलेस या पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो इसमें OTP क्या है, वन टाइम पासवर्ड, QR कोड का थोड़ा जानकारी हो, UPI क्या है, AEPS क्या है, कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वैलेट, पॉइंट ऑफ सेल, तो ये जो है इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको ज़्यादातर इसमें ये जानना है कि इनका फुल फॉर्म क्या है, ये कब शुरू हुए, किनके द्वारा शुरू हुए, इनका मैक्सिमम लिमिट क्या है, मिनिमम लिमिट क्या है, और इनका वर्किंग टाइम क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको जानना होगा। मैंने नेफ्ट का, RTGS का, IMPS का और UPI का, और एक पांचवा वीडियो, इन चारों में अंतर क्या है, मैंने अलग से इनका वीडियो अपने चैनल में दे रखा है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दूंगा, आप उसे जरूर देखिए। इससे आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। अब आपको 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जो मिल सकता है इस लास्ट वाले टॉपिक से मिल सकता है, फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी। तो कहने का मतलब यह है कि आप, मैं जो नंबर बता रहा हूँ उन्हें 100 में जोड़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरा जो अनुमान है, लगभग 60 नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको नेटवर्किंग, लिब्रे ऑफिस मतलब कैल्क, इम्प्रेस राइटर, और डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और फ्यूचर स्किल, इससे रिलेटेड 60 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इन्हीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो फ्यूचर स्किल में ऐसे इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, थोड़ा इसका परिचय आए, बिग डेटा का परिचय आए, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माने इनका आपको इंट्रो आना चाहिए।
जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, या क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, इसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं, तो इन्हें आपको जानना होगा। और आपको साइबर सिक्योरिटी का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैंने साइबर सिक्योरिटी का भी अलग से एक वीडियो अपने चैनल में डाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे इसमें आपसे पूछा आ सकता है कि थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपका मैलवेयर हो गया या और भी बहुत सारे ऐसे थ्रेड हैं, उनका भी आपको इंट्रो आना चाहिए। तो ये मेरा आज का वीडियो था जिसमें मैंने ओवरऑल सिलेबस से फोकस किया है। मैंने आपको रटा रटाया, कोई क्वेश्चन नहीं दिया है कि इसी को रट लो और आप पास हो जाओगे। कभी नहीं पास होगे, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। मैंने आपको सिलेबस दिखाया है और किस पे कितना आपको नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है, किन तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं, उन्हें मैंने आपको शेयर किया है। तो आप अपने एग्जाम के लिए इन सारी बातों पे फोकस करिए, और जितनी भी चीज़ें हैं सबका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप उन्हें देखिए, आपको बहुत फायदा करेगा। तो आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इसका लिंक भेजिए, जिससे वो इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ साथ आप सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को करिए। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, जल्द ही मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।